बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ट है, अभी उसका काम चालू है। ये फूड कार्ट पूरा बिकी शिप से और रिविटिंग से काम हुआ है उसका, सभी जगह रिविटिंग से उसका काम किया है, अभी काम चालू है। ये फूड कार्ट स्पेशल वड़ा पाव के लिए बनवाया है हमने, पार्टी के ऑर्डर से हमको और डिज़ाइन दिया है वड़ा पाव के लिए। ऐसे हमारे यहाँ सब काम पार्टी की रिक्वायरमेंट से होता है, सभी तरह का फूड कार्ट का हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बाइक से चलने वाला फूड कार्ट, बाइक ऑपरेटेड फूड कार्ट। अभी तो ये वड़ा पाव के लिए बना है, लेकिन जैसा पार्टी का फूड का प्रोडक्ट होता है वैसे हम डिज़ाइन करके बनाते हैं। बाजी पाव हो, दाबेली हो, पानीपुरी हो, जैसा भी पार्टी का फूड का प्रोडक्ट होता है इसके हिसाब से डिज़ाइन करके बनाते हैं। ये अभी उसका जो अंदर का जो हिस्सा है इसमें सिलेंडर भी आ जाता है एलपीजी का, ये कैश के लिए ड्रॉर है। इसके तीनों साइड पार्टीशन भी है, ये जो सामने रहा वैसे तीनों साइड पार्टीशन है, चैन से सीधा रहेंगे तो खड़े रह के उसका नाश्ता करने के लिए पार्टीशन है वो काम आते हैं। टायर भी इसमें ब्रांड न्यू है, पुराने वाले नहीं है कोई। ये फूड कार्ट का शेर का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो उसका स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप का है। अभी उसके ऊपर शीट लगेगी, ऐसे फोल्डिंग पार्टीशन है सभी साइड, पूरा गैल्वेनाइज्ड जीपी शीट से बनाया है, जंग आने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी तो इसके ऊपर शेड आएगा पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है शेड का, वैसे उसका काम अभी चालू है। देखो टायर भी सब ब्रांड नहीं आएगी, पुराना वाला कोई भी नहीं आएगा, सब काम पार्टी की रिक्वायरमेंट से होता है हमारे यहाँ, सभी तरह की ट्रॉली का, बाइक ऑपरेटेड ट्रॉली सभी तरह की बनती है, पावर टिलर पावर व्हीलर की ट्रॉली बनती है, ट्रैक्टर की ट्रॉली बनती है, ये चार पहिए वाली बाइक की ट्रॉली है, सामने पड़ी वो बैलगाड़ी है, वैसे फूड कार्ट दो पहिए वाली ट्रॉली, चार पहिए वाली ट्रॉली, सभी तरह की ट्रॉली का काम होता है हमारे यहाँ, सब काम पार्टी की रिक्वायरमेंट से और ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पहुँचाने की भी व्यवस्था हमारे यहाँ से होती है, और फुल फिनिशिंग के साथ फुल टेस्टिंग के साथ सब काम किया जाता है, ताकि लोगों से पार्टी को मिलने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसमें वैसे सब काम करते हैं, ये सभी तरह की ट्रॉली के स्ट्रक्चर है। ये फूड कार्ट जब तैयार होगा तो उसका फाइनल वीडियो भी बनेगा, वैसे सब काम होता है। ये जो फूड कार्ट है वैसा वो फूड कार्ट बनेगा, ये चार पहिए वाली ट्रॉली है, 3x5 की 15 इंच हाइट वाली, जो उसका फिनिशिंग होता है, काम चालू है। ये फूड कार्ट बन रहा है,
जो फूड कार्ड है उसमें डेवी टेंशन को काम सब हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसे बोल करके ट्रेड करके भी काम करना पड़ता है। ये जो ट्रेड की डाई है क्योंकि कई जगह स्क्रू लगा के उसका काम करना पड़ता है चैन को। ऐसे स्क्रू मार के उसका फिटिंग किया है। ये जो फूड कार्ड है इसके ऊपर का जो ये शेर का स्ट्रक्चर है, पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो बेनिफिट ज़्यादा रहता है बिजनेस में, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। तो हमने वो शेर का स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप बनवाया है ताकि कस्टमर को भी फायदा मिले उसका वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ऐसे फूड कार्ट में ये आगे वाला है पार्टीशन चैन से रोक रहे थे, काम चालू है उसका। ये साइड वाला है, ये दोनों पार्टीशन नीचे की साइड गिर जाते हैं ऐसे। ये टायर भी इसमें बंद नहीं है, पुराने वाले पे नहीं। ये पीछे की साइड भी पार्टीशन है फोल्डिंग, इसके ऊपर पानी का जग आएगा तो ये पीछे वाला जो है थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है और हैवी भी है। इसकी जो चैन लगी है वो भी हैवी है ताकि पानी का जो जग जो आते हैं वो उसके ऊपर रख सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे सब काम फुल टेस्टिंग फुल फिनिशिंग के साथ किया जाता है। ये तीनों साइड के जो पार्टीशन है वो नीचे की साइड गिर जाते हैं वैसे रहते हैं। अभी ये शेड तैयार हो जाएगा, बाद में उसका फुल एंड फाइनल भी वीडियो बनेगा विदाउट पेंट का। पूरी ट्रॉली का काम जीपी शीट से रिविटिंग से किया है।
ये जो सीट का स्ट्रक्चर का जो ऊपर का हिस्सा है सीट का, वैसे सब मिला मिला के उसका काम करना पड़ता है सभी जॉइंट। इस शेड का स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। अभी ये फूड कार्ट के ऊपर का शेड का स्ट्रक्चर का काम चालू है। ये फूड कार्ट के ऊपर का जो शेड का स्ट्रक्चर है, ये जो शेड का स्ट्रक्चर है वो अभी इसके ऊपर लगेगा। तो अभी ये पिलर का जो काम है लगाने का वो चालू है। ये जो शेड का स्ट्रक्चर है ये अभी ये पिलर के ऊपर लगेगा। ऊपर की साइड भी फोल्डिंग रहेगा नट बोल्ट से, और ये चारों साइड नीचे की साइड भी फोल्डिंग रहेगा। तो ये जो नीचे वाला जो काट का आप अलग से भी उपयोग कर सकते हो और शेड के साथ भी कर सकते हो। सब फोल्डिंग काम का है ऊपर का, ऐसा है सब। बड़ी बाजू फुल टाइट कर लियो। देखो ये ऐसे नट बोल्ट से फोल्डिंग होना होगा सभी साइड। ऊपर की साइड भी स्ट्रक्चर फोल्डिंग फिटिंग होगा। ये चारों बीम भी अलग रहेंगे, नीचे की ट्रॉली भी अलग रहेगी। ये शेड का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी थोड़ी देर में ये इसके ऊपर फिटिंग होगा बीम के ऊपर। Thank you.
का फिनिशिंग हो रहा है अभी। ये फूड कार्ट का शेड का स्ट्रक्चर लग गया है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर शेड का। ये शेड का फोल्डिंग स्ट्रक्चर है पूरा। नहीं कर रहा।